वापिस आया थे तो 6-7 महीने हो गए, मेरा हो गए। अब मैं जाऊंगा तो बम्बई जाऊंगा। क्या करे फिर, यही अगर काम नहीं रहेगा तो कैसे चलेगा मेरा, इसके लिए हम जा रहे हैं। पिछली बार लॉकडाउन लग गया अचानक, फिर घर से निकलना ही बंद। घर से निकलेगा तो मार खाओ, इसके लिए डर है मन में, इसके लिए जा रहा हूँ। बढ़ते कोरोना आंकड़ों के बीच फिर एक बार महाराष्ट्र में कड़ी पाबंदियां लगा दी गई है, और लॉकडाउन लगाने के बाद जैसा मंजर एक साल पहले देखने को मिला था, कुछ वैसा ही मंजर अब मुंबई के रेलवे स्टेशन पर देखने को मिल रहा है। क्योंकि नौकरी जाने के डर से बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर और दिहाड़ी मजदूर अपने गांव पलायन करते दिख रहे हैं। हालांकि संख्या कम है, लेकिन डर वैसे ही कायम है। गांव से मुंबई आया कमाने के लिए, और मैं इधर ड्राइवरी करता था। और एक्चुअली बात यह भी है कि रहने होने का भी लॉकडाउन के चलते प्रॉब्लम हो जाएगा। रूम जो भी था भाड़े पे, उसका एग्रीमेंट खत्म हो गया। अभी रूम वाला भी परेशान करेगा, लॉकडाउन में कहाँ से भाड़ा दे पाएगा, काम छूट गया है। यहाँ हम जा रहे हैं गाँव ब्रिटेन। कौन से गाँव जा रहे हो? इलाहाबाद है सर हमारा गाँव। क्या काम करते हो जाकिर? ये सर हम करते हैं लेडी स्टॉप आते है, वही हम बनाते हैं। टेलरी करते? हाँ। तो कहाँ पर? ये बैंड्रा ईस्ट में सर। अच्छा, तो अब आए थे अभी 2 दिन पहले, उसके बाद ये बंदी हो गया, फिर वापस रिटर्न जा रहे सर गांव। क्या करे फिर, यही अगर काम नहीं रहेगा तो कैसे चलेगा मेरा। गांव जाने का भी टाइम हो गया है। हाँ, अभी लॉकडाउन भी हम लोग सुन रहे हैं, इसकी वजह से क्या करेगा भाई, क्या खाए पिएगा। काम क्या करते? अब काम भी भाजी जी बेच रहे हैं। डर है, अभी अगली बार जैसा हो गया तो दिक्कत हो जाएंगे ना। अगली बार बहुत फंसा हुआ था ना, मंग मंग के खाना पड़ा पे। अगली बार 3 महीना बाद गांव गया था। अगली बार क्या हुआ था? पिछली बार लॉकडाउन लग गया अचानक, फिर घर से निकलना ही बंद। घर से निकलेगा तो मार खाओ, इसके लिए डर है मन में, इसके लिए जा रहा हूँ। अरे बहुत समस्या हुआ, 15-14 दिन स्कूल में हम लोग काटे थे। कुछ दूर पैदल गए, कुछ दूर ट्रक से गए, कुछ दूर ट्राली में गए। बम्बई में तो ऐसे में काम करता हूँ, वहाँ पर पलाई का काम था, उसमें सैलरी में 10,000 कम रहा था, उसी में खाना पीना बचाना था। इसीलिए मई में था तो लॉकडाउन में रुका था, तो हम लोग ट्रक से भाग के गए थे। कभी मई में हाँ। क्या हुआ था तब? क्या हुआ था, वही नॉन रोड दिखा रहे थे 1 महीने से, वो दिखा हो के तब फिर तब ट्रक मिला, बुक करा, 2,000 लगा, देख लिया हम लोग गाँव। चार दिन लग गया था। 5,000 देना पड़ता है महीना रूम भाड़ा, लाइट बिल पानी बिल अलग रहता है। महीने का अभी कुछ खास ज़्यादा नहीं कमाते, 10-12 हज़ार चली था। खर्चा मैक्सिमम 5-7 हज़ार रुपये खर्चा रहता था, रूम का 5,000, 2-3 हज़ार रुपये खाने का। महीने का यही 10-15 हज़ार रुपये कुछ जाता है सैलरी, और बाकी का अपना खर्चा रहता है। और महीने का हफ्ते का यही 1,000 कितना, 500-600 रुपए का रोज दिहाड़ी रहता है हम लोग का। ये तो आम के ऊपर रहता है, जितना मिल जाए इसका, तो वो हिसाब से हम लोग काम करते रहते हैं, जो मिलता है वही चलता है। कमाई कुछ नहीं बढ़ता था, इसके लिए तो हम लोग जा रहे हैं भाई, क्या करेगा। जब से आया तब से परेशान हो गया हम लोग। वापस जाओगे तो अब आओगे कि नहीं? मैंने बम्बई तो आएगा, लेकिन भाई माहौल थोड़ा ठंडा गर्म होगा, वही हिसाब से आएगा। वापिस आया थे तो 6-7 महीने हो गए, मेरा आने हो गए। अब मैं जाऊंगा तो बम्बई आऊंगा, फिर मैं जाऊंगा लुधियाना काम करता ना, सिलाई कचरी में जा रहा हूँ। काम नहीं बंद हुआ तो मैं भी मानता हूँ, बाकी इधर आने में जाने में बहुत तकलीफ होता है ना सर। हाँ, इसीलिए 36 घंटे का रास्ता है, वही हम लोग जानते हैं। वो पंजाब से पड़ रहे 24 घंटे का रास्ता, इसी में चलाएंगे हम लोग। तो वापस कब आने का प्लान है मुंबई में? कुछ पता नहीं है सर, अब जा रहे देखेंगे, माहौल ऐसे ही रहेगा तो आके क्या मतलब है, कुछ वही काम वाम मिल जाए तो वही सही है हमारा। हाँ आएंगे ना, मजदूर है, कभी भी आ सकते हैं, मतलब लॉकडाउन अच्छे से सब कुछ माहौल ठीक हो जाएंगे ना तो आएंगे, कोई चारा नहीं। हाँ, तब तक घर पे इधर उधर करके देख कमाएंगे उधर ही।